सवाईमाधोपुर से विश्वेंद्र रेंडायल की रिपोर्ट के अनुसार सवाईमाधोपुर भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा द्वारा गुरुवार को शहर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 200 मेडिकल किट वितरित किए गए। इस दौरान आशा मीणा ने अस्पताल में मरीजों की देखभाल, कोरोना वैक्सीनेशन, चिकित्सा उपकरणों के संचालन, पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की उपलब्धता आदि पर उचित दिशा निर्देश दिए। उसके पश्चात शहर स्थित मिर्च मंडी के पास लटिया नाले में पड़े मलबे को शीघ्र हटाकर नाले को साफ करने को लेकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की और कहा कि शहर की चारदीवारी में रहने वाले लोगों की ओर देखते हुए बारिश से पहले पूरे नाले की साफ सफाई होना अति आवश्यक है। उसके बाद बजरिया स्थित माउंटाउन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व ESI डिस्पेंसरी में 200 मेडिकल किट दिए गए। वहीं आशा मीणा और भाजपाइयों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर पत्रकारों को भी पानी के कैंप पर सैनिटाइजर, मास्क व ऑक्सीजन मीटर देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ सूरवाल निवासी महेंद्र मीणा के हत्यारों की गिरफ्तारी की भी मांग आशा मीणा व अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ACP सुधीर चौधरी को ज्ञापन देकर की गई, जिसमें सवाईमाधोपुर में 3 दिन पहले महेंद्र मीणा सूरवाल सवाईमाधोपुर की आपसी रंजिश में खेड़ली मोड़ पर हत्या कर दी गई थी। आशा मीणा ने सूरवाल गांव में जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया था और महेंद्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सवाईमाधोपुर पूर्व जिला महामंत्री देवेंद्र सिंह राठौड़, हरिओम गर्ग, हरिप्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर सवाईमाधोपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राठौड़, हरिओम गर्ग, हरिप्रसाद गुप्ता, शिवचरण महावर, अनिल शर्मा, अलका शर्मा, रवि शर्मा, सुधीर शर्मा, जिनेन्द्र शर्मा, चंदन सिंह नरूका, मनीष जैन, रोहित गुप्ता, विक्की राजवंशी, रामकिशोर सैनी, लवलेश जायसवाल, तनवीर चौहान, विजय मीणा, दीनदयाल मथुरिया, रितेश भारद्वाज आदि भाजपा के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोई भी हो सकता है, उसको कोई जाति या धर्म या समाज नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।